आप देख रहे हैं टीएनबी कोरोना काल में आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है पेट्रोल डीजल की महंगाई से पहले ही जनता परेशान है और अब उन्हें गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सी और पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली पी की महंगाई भी झेलनी होगी दरअसल दिल्ली और एनसीआर में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है आपको बता दे कि रविवार यानी आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 90 नब्बे पैसे प्रति किलो के हिसाब से महंगी हो जाएगी जबकि पीएनजी के दामों में करीब एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने शनिवार देर रात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की कीमतों में वृद्धि की है दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की, की कीमत में 90 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है इस हिसाब से यहाँ अब सीएनजी की नई कीमत पैतालीस दशमलव बीस रूपए हो गई है जबकि गाजियाबाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी एन जी पचास दशमलव नब्बे रूपए की कीमत से मिलेगी दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की कीमत में करीब एक रूपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है इस हिसाब से यहाँ पर पीएनजी की नई कीमत तीस दशमलव रूपए हो गई है जबकि गाजियाबाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पी एन जी तीस दशमलव छियासी की कीमत से मिलेगी खास बात है कि सी और पी के नए दाम रविवार यानी आज सुबह छह बजे से लागू हो चुके हैं ऐसे में यह काफी लोगों की परेशानी और बढ़ा देगा ऐसे में लोग इसको किस तरह से लेते हैं और सरकार से क्या सवाल करते हैं या क्या आरोप लगाते हैं साथ ही अब इस मुद्दे को विपक्षी दल अपना हथियार कैसे बनाती है यह तो आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टी के साथ बने रहे हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें